हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। और आज हम लोग पेज मेकर पर सीखेंगे एलिमेंट मेनू। एलिमेंट मेनू के बारे में हम लोग सारा ऑप्शन डिटेल्स से जानेंगे कि उसमें किस फंक्शन का कैसे यूज किया जाता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग पेज मेकर। तो जैसा कि हमारा पेज मेकर ओपन हो चुका है और हम लोग पिछले वीडियो में ये सब पढ़े थे, यहाँ तक अनग्रुप अनलॉक तक पढ़े थे, ग्रुप और अनग्रुप और अनलॉक और लॉक पोजिशन यहाँ तक पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग मास्क और अनमास्क हमको जानना है आज से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मास्क है, और मास्क का मैं बता दूं कि मास्क का जो काम होता है वो किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटाने के लिए होता है। यानी अगर कोई आप इमेज इंसर्ट कराते हैं, अगर उसका बैकग्राउंड आपको हटाना है तो उस काम में आपका यूज मास्क के लिए होगा। तो कैसे होगा चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले फाइल में चलेंगे और कोई इमेज इंसर्ट करा लेते हैं। तो इमेज के लिए प्लेस, और यहाँ से मैं कोई एक सिंपल इमेज ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने ये इमेज ले लिया और इसको मैंने इंसर्ट करा लिया पेज पे अपने। अब मुझे इस इमेज का बैकग्राउंड एरिया हटाना है, ये सब जो साइड का है ये पूरा हटाना है, बस हमको इमेज ही रखना है। तो कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से ले लेंगे पॉलीगॉन टूल्स। पॉलीगॉन टूल्स लीजिएगा, यहाँ से ध्यान रखिए पॉलीगॉन। मैं आपको एक बार थोड़ा सा इंडिकेट करा भी दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये है आपका पॉलीगॉन, हैंड टूल्स के ऊपर है। पॉलीगॉन टूल्स ले लेना है आपको, और उसके बाद आपको ये देखिए ड्रैग कीजिएगा तो ऐसे बनता है, लेकिन आपको ड्रैग नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सिंपल यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, इस इमेज को सिलेक्ट करना है, ध्यान रखना है इमेज को। तो देखिए मैं यहाँ से पॉइंटर क्लिक करके और देखिए आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये सिलेक्शन हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इमेज को अगर बड़ा कर दूँ तो आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाइएगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, और अब देखते हैं सिलेक्ट करके लेते हैं पॉलीगॉन और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके से हम लोग आराम से इमेज का बैकग्राउंड एरिया हमको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग पूरा इमेज को सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, यानी बैकग्राउंड एरिया को नहीं सिलेक्ट करना है, आपको इस इमेज को सिलेक्ट करना है। तो कैसे होगा चलते हैं, इस तरीके से बारीकी से आप लोग बढ़िया से, अगर मुझसे गलती भी हो रहा है तो आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक अगर बढ़िया से कीजिएगा तो सही से सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी तरह सिलेक्ट कर लेना है पूरी तरह से, और इधर आइएगा और यहाँ, और यहाँ से आपको इधर जाना है, इधर इधर जाइएगा तो आपका यहाँ पॉइंटर है मिलेगा, तो ये आपका इमेज सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इधर जाइएगा तो आपका बैकग्राउंड सिलेक्ट होगा, तो हमको इमेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आ गए, और इसी तरह से आप लोग लाइन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बाहर ना जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और देखिए यहाँ पॉइंटर पर जाकर जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे वहीं पर जाकर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये देखिए सिलेक्शन हो चुका है। अब सिलेक्शन होने के बाद मैं थोड़ा सा, अगर आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसका कलर वाइट करके देखता हूँ होता है या नहीं। यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ कलर पर, लेफ्ट सॉरी, तो देखिए ये कलर वाइट हो गया। तो शायद सिलेक्शन आप लोग को दिख रहा होगा कि हाँ यहाँ पर ये सिलेक्शन जो है वाइट कलर का, यही सिलेक्शन हुआ है पॉलीगॉन से। तो खैर ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको पूरा इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, यानी सबको इस तरीके से, यानी आपका बीच में जो सिलेक्शन किया है पॉलीगॉन से वो भी सिलेक्ट हो गया और इमेज भी सिलेक्ट हो गया, यानी दोनों विकल्प को आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि ऐसे अगर सिंपल देखिए मैं बाहर क्लिक कर दिया हूँ, और अगर मैं इसको सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ ये पॉइंटर को जो मैंने सिलेक्ट किया है, और एलिमेंट में चलेंगे तो ये देखिए मास्क वर्क नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ये हाइड है। तो उसके लिए हम लोग को पूरा इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी इस जो सिलेक्शन के हैं इसको भी सिलेक्ट करना है और इमेज को भी सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ड्रैग करके और दोनों को सिलेक्शन कर ले रहा हूँ। ये दोनों सिलेक्शन हो गया मेरा, उसके बाद एलिमेंट, और देखिए ये वर्क करने लगा। तो इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड हट चुका है, और ये देखिए कुछ पॉइंटर यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ तक मेरा एरिया था इसका। अब इसको क्या करना है आपको कि डायरेक्टली जाके ग्रुप कर देना है, ये एकदम ज़रूरी से आप लोग कीजिएगा ग्रुप। अगर नहीं कीजिएगा तो ये इमेज इधर उधर हिलेगा तो आपका बैकग्राउंड दिखने लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर ग्रुप कर दीजिएगा। अब ग्रुप कर दीजिएगा तो देखिए ये फाइनली एक इमेज हो गया। अब इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड किसी भी इमेज का हटाकर और कहीं भी रख सकते हैं। और सिंपली ये देखिए मेरा बैकग्राउंड हट गया, देखिए मैं यहाँ भी ले जा रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड नहीं है सिर्फ। और अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, जैसे
रेक्टेंगल लिया मैंने, इस पर कलर कर देता हूँ मैं कोई भी, पूरा ऑल कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पर रेड, ऑल कलर रेड। अब उसके बाद इस इमेज को ले जाता हूँ, सॉरी ये पीछे चला गया, मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, एलिमेंट अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। अब देखिए इसका बैकग्राउंड हट चुका है अगर आप देखें तो, अगर इसमें लाइनिंग अगर थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपको, अच्छा नहीं लग रहा हो ये चारों तरफ से, तो आप यहाँ पर जाकर लाइनिंग कलर पे इसको नन कर दीजिए, तो लाइनिंग हट जाएगा, तो आपका इस तरीके से इमेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटा सकते हैं, और अगर फिर पुनः वैसे लाना है अगर जैसा था आपका, तो इमेज सेलेक्ट है ही, बस डायरेक्टली जाना है, पहले अनग्रुप करना है, उसके बाद अनमास्क, या पहले अनमास्क भी कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दोनों रहेगा एक साथ ही, तो इसलिए मैं पहले कहूँगा कि अनग्रुप कर लीजिएगा और उसके बाद अनमास्क कर लीजिएगा। तो देखिए पहले जैसा था वैसा आ गया। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोग को, यानी मास्क का काम है इमेज का बैकग्राउंड हटाने के लिए। चलिए मैं इसको साइड रख देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। उसके बाद मास्क हो गया, अब यहाँ पर है पॉलीगॉन सेटिंग, पॉलीगॉन सेटिंग यानी देखिए पॉलीगॉन मेरा टूल्स है, और इस पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ पॉलीगॉन टूल्स पे, तो देखिए यहाँ एक बॉक्स खुला, मैं थोड़ा सा इस बॉक्स को आपको जूम करके दिखा देता हूँ, और ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पॉलीगॉन सेटिंग। तो सेम काम वही काम हम लोग को वहाँ भी करना है, देखिए यहाँ पर पॉलीगॉन सेटिंग वही चीज़ है यहाँ पर ही। तो सेम देखिए यहाँ से डबल क्लिक अगर करता हूँ मैं इस पर पॉलीगॉन टूल्स पे, और मैं देखिए अगर सिंपल शेप है तो इस तरह का है, अगर मैं चाहूँ तो इसको बना सकता हूँ जितना चाहे टेढ़ा स्टार, देखिए ये बन रहा है, ये दो ऑप्शन है, इसको आप मैनेज कीजिएगा तो इस तरीके से स्टार बन जाएगा, उसके बाद ओके कीजिएगा, तो ये देखिए इस तरह का आपका शेप बन गया। इस तरीके से हम लोग शेप बना सकते हैं, इसमें स्टार कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए तो आप फिर से वही काम डबल क्लिक और फिर से थोड़ा सा स्टार को बढ़ा लेते हैं, और अब देखिए इस स्टार और स्टार में अंतर, तो इस तरीके का बन सकता है। और कम अगर करना है तो उसी तरह सेम यहाँ से भी वही काम कर सकते हैं, एलिमेंट पॉलीगॉन सेटिंग, और यहाँ से देखिए खुल गया वही चीज़, जितना चाहे छोटा बड़ा कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से आपका बन जाएगा। देखिए मैं सबको हटा दे रहा हूँ, कंट्रोल से सिलेक्ट डिलीट एलिमेंट पॉलीगॉन सेटिंग, और मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर ले रहा हूँ, ओके करता हूँ, और पॉलीगॉन लेके देखिए ये इस तरीके का बन गया। तो ये काम आप लोग यहाँ से डबल क्लिक भी करके कर सकते हैं, और ये काम एलिमेंट में जाके पॉलीगॉन सेटिंग से भी आप लोग कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ भी समझ में आया होगा आप लोग को, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, इसमें है राउंडेड कॉर्नर। राउंडेड कॉर्नर का मतलब होता है किसी भी शेप का, यानी देखिए रेक्टेंगल शेप लेते हैं, और रेक्टेंगल शेप लेने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह का शेप है, ये इस तरीके से शेप आ रहा है, इसी का कॉर्नर जो है ये वाला कॉर्नर, देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, अगर इस तरह देखें आप तो ये जो कॉर्नर है इसको राउंड करना है, ये जो कॉर्नर है या ये कॉर्नर जो है ये बीच में, इसको राउंडेड करना है। तो कैसे होगा, तो चलिए इसको मैं पहले हटा लेता हूँ, और एक सिंपल पहले मैं खींचता हूँ, एक रेक्टेंगल सिंपल, और अगर राउंडेड करना है आपको तो इसी पे डबल क्लिक कीजिएगा, इसी रेक्टेंगल टूल्स पे आप लोग डबल क्लिक कीजिएगा, और देखिए ये आपको आ चुका है, देखिए थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, राउंडेड कॉर्नर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राउंडेड कॉर्नर, और वही ऑप्शन क्या है आपके इसमें भी, क्या कहते हैं यहाँ पर भी है एलिमेंट और राउंडेड कॉर्नर, यहाँ पर देख रहे होंगे, क्लिक करता हूँ तो देखिए वही बॉक्स खुल गया, मैं फिर से डबल कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, और देखिए उस तरह का बॉक्स बन चुका है, यहाँ पर आ चुका है, और इसमें से आप देखिए यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर लिख रहा है। अब देखिए इन सब में से कुछ ना कुछ अलग अलग इफेक्ट है राउंड कॉर्नर में, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, अगर आप इन सब को ध्यान से देखें तो ये अभी मेरा अप्लाई है पहले से, देखिए ये जो ऑप्शन है मेरा ये अप्लाई है पहले से, यहाँ पर शो कर रहा है, और ये सब हमको अप्लाई करना है, जैसा आप चाहें वैसा ले सकते हैं इन सब में से कोई भी, ये जो चाहें ले सकते हैं। तो मैं इसमें से ये ले लेता हूँ या ये लेता हूँ, और ओके करता हूँ। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर में अंतर आएगा आपको, मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए इन दोनों कॉर्नर में अंतर आ चुका है, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर में आप लोग देखेंगे तो अंतर आया हुआ है। तो यही है राउंडेड कॉर्नर, जो कि हम लोग यहाँ से डबल क्लिक करके भी ले सकते हैं, जैसा आपको कॉर्नर पसंद है, अगर कम है तो कम लेना है तो कम ले लीजिए, और देखिए
इसमें और कम हो गया कॉर्नर। तो इस तरीके से हम लोग कॉर्नर सेट कर सकते हैं किसी भी रेक्टेंगल शेप का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राउंडेड कॉर्नर हो चुका है। अब यहाँ पर लिंक इन्फो है। लिंक इन्फो का काम होता है आपको इमेज रिप्लेस करने के लिए, इमेज को रिप्लेस करने के लिए लिंक इन्फो का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि कोई इमेज इंसर्ट करा लेते हैं कोई भी, और मैंने यहाँ इंसर्ट करा लिया और इसको इस मोड में रखा है। अब इसी इमेज या इतना बड़ा जो भी साइज़ मैंने पहले से एडजस्ट कर रखा है, इसी साइज़ में हमको दूसरा इमेज चाहिए। यहीं पर इसी जगह पे हमको दूसरा इमेज चाहिए। अगर हम प्लेस में चलेंगे तो प्लेस का काम होता है इमेज इंसर्ट कराने के लिए, हमको फिर से दोबारा कोई इमेज लेना पड़ेगा और ड्रैग करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसी जगह पे जहाँ ये इतना बड़ा है, यही साइज़ है, इसी साइज़ पे मेरा एक इमेज दूसरा रिप्लेस हो जाए। तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, एलिमेंट लिंक इन्फो। देखिए अगर ये शो कर रहा है, अगर इमेज मेरा सिलेक्ट ना रहे, देखिए इमेज सिलेक्ट नहीं है तो ये शो नहीं करेगा, लिंक इन्फो काम नहीं कर रहा है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, एलिमेंट लिंक इन्फो, और कोई भी आप इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ से ये, और जैसे ओपन करूँगा तो देखिए ये डायरेक्टली इस इमेज की जगह पे ये इमेज चला आएगा। देखिए ये सिलेक्शन भी है, और मैं यहाँ से ओपन करता हूँ इस इमेज को सिलेक्ट करके, सॉरी ये इमेज मेरा इंसर्ट नहीं हुआ। फिर से एक बार ट्राई, लिंक इन्फो और कोई दूसरा इमेज, जैसे ये लेता हूँ मैं या इसको लेता हूँ और ओपन। देखिए इस जगह पे ये इमेज ऑटोमेटिक रिप्लेस हो गया। उसी तरह इस पे भी अगर कराना है तो आप करा सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट लिंक इन्फो और कोई दूसरा इमेज ले लेते हैं जैसे इसको, और ओपन करते हैं। यस, तो देखिए इस जगह पे ये ऑटोमेटिक आ चुका है। तो ये काम है हमारा इमेज रिप्लेस कराने के लिए, यानी लिंक का काम है इमेज को रिप्लेस कराने के लिए। उसी के नीचे दिया है लिंक ऑप्शन। लिंक ऑप्शन का काम है कि ये जो आपने इमेज इंसर्ट करा रखा है इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या है, यानी जो हम लोग जहाँ से इंसर्ट कराते हैं उसका नाम क्या है उस इमेज का, उसको देखने के लिए। तो मैं आपको एक बार वेरीफाई करा देता हूँ इस चीज़ को। इसको सिलेक्ट करके रखिएगा और लिंक ऑप्शन में जाइएगा, और देखिए यहाँ पर लिख रहा है फाइल नेम 1007। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ देखिए फाइल 1007 DIPI, यानी शॉर्ट में लिखा हुआ है DIPI और JPG यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए इस चीज़ को हम एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो अगर मैं यहीं से ऑप्शन में चला जाता हूँ, अगर यहीं से मैं ऑप्शन में चलता हूँ लिंक इन्फो में, और इसी का इमेज का देखना है इसी इमेज को। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए 1007 DIPI लिखा हुआ है। इसमें पूरा नाम दिया हुआ है, तो वहाँ पर पूरा नाम नहीं शो कर रहा था, शॉर्ट में शो कर रहा था, यही नाम शो करता है आपका। तो इस तरीके से हम लोग लिंक ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, मतलब इमेज का इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। ऐसे ही काम का चीज़ ये है आपके लिए लिंक इन्फो, यानी कोई इमेज को रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम लोग लिंक इन्फो का यूज करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।